कहीं भी शास्त्रों में या पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है कि योग शब्द कहा जाए, हमारी भारतीय संस्कृति में इसको योग ही कहा जाता है। कहते हैं कि योग का संगीत से रिलेशन है, योग का संगीत से रिलेशन नहीं है, संगीत ही योग है। जैसे कि जो नाद है वो योग में दो प्रकार के होते हैं, एक अनाहत नाद और एक आहत नाद। तो जो आहत नाद है वो ही संगीत है। और हमें मालूम है कि हम सब आहत नाद वाले ही हैं जो इसको इसके माध्यम से योग कर सकते हैं।
उसकी केमिस्ट्री से दो चीजें होती हैं, एक तो जो सिर में जो दर्द होता है माइग्रेन वो खत्म होता है, और जिसको ये श्वसन की संबंधित बीमारी है उसको बहुत रिलीफ देता है। इसके साथ एक मालकोस राग भी है, और शॉर्ट में जैसे जानकारी दें कि जैसे जय जय बनती है शारीरिक कमजोरी के लिए है, आसावली है रक्त शुद्धि के लिए है, केदार है और अन्य ये पुड़िया है अनिद्रा के लिए है। और इसका हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे पुड़िया के बारे में कि 1933 में जो मुसोलानी था, एक इटली का शासक था, तानाशाही था, तो वो जो है उसको गीत नहीं आते थे। 1933 में हमारे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर बहुत बड़े गायक थे, उस समय यूरोप यात्रा पर गए, किसी ने कहा होगा कि भारत से बहुत बड़े गायक आए हैं और हो सकता है संगीत के माध्यम से इसका निदान हो, तो उन्होंने राग पुड़िया गाया, मुसोलानी और बैठा था, आधा घंटे के अंदर वो सोया, 6.5 घंटे सोया वो। तो लगा कि यह भारतीय संगीत में ही वास्तव में योग नहीं है। और दूसरी बात ये तो गायक की हो गई, हम शॉर्ट में बताएंगे कि वादन में भी योग है, जो हमारा जो अभिनंद वाद्य है उनमें जितने भी ये वाद्य है आपने देखा उनसे इनको बजाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो कमर के ऊपर का हिस्सा होता है, हम जैसे ध्रुपद बजाएंगे, धमार बजाएंगे, आवाज चौताल बजाएंगे, तीव्रा बजाएंगे, ये इनको बजाने से और जो अभ्यास नियमित रूप से करते रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और आपने देखा होगा कि 80% तबले वाले होते नहीं रहेंगे, उनका चर्बी ज़्यादा नहीं रहेंगे, वो थोड़े से ठीक रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना बाकी समय में। और नृत्य की आप नृत्य ले आएंगे, नृत्य का तो शरीर को पता है, आप नियमित रूप से उसका अभ्यास करेंगे जो टॉक्सिन होते हैं वो निकलते हैं, तो ये संगीत जो है पूरा योग ही है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दो कैटेगरी के लोग हैं, एक अनाहत योग के लिए और एक आहत जो कि संगीत के हैं। हम सभी संगीत वाले हैं, जितने भी हॉल में बैठे सारे लोग संगीत वाले, हम आहत नाद का ही मतलब किसके संगीत के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने रुचि सुर ताल आप लोगों को दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम और भी एक्सरसाइज कर रहे तो है ही, वो तो करना ही है, लेकिन ये भी है। तो संगीत के बारे में जो एक सामान्य सी जानकारी थी वो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ संगीत की साधना आप सभी लोग इसी तरह से करते हैं। धन्यवाद।